फ्रेंड्स आज हम लोग पार्टनरशिप डेट फिर आपका ऑफ ऑफ पार्टनरशिप डेट और रूल अप्लीकेबल इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्टनरशिप डेट है ठीक है तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डेट क्या होता है और फिर आगे देखेंगे कि यहाँ पे पार्टनरशिप डेट में क्या क्या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस होता है ये पढ़ेंगे फिर यहाँ पे इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे इम्पॉटेंस ऑफ पार्टनरशिप डिट क्या है पार्टनरशिप डिट का इम्पॉर्टेंस क्या है महत्व क्या है फिर रूल अप्लीकेबल इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डिट और अगर यहाँ पे अगर पार्टनरशिप डिट बनाने में विफल हुए हैं या नहीं बनाएँ तो इसमें क्या रूल्स नियम कानून लागू होगा ये भी हम लोग पढ़ेंगे ठीक है आज हमारा टॉपिक ये रहेगा इंपॉर्टेंट है।, है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बनाने पॉइंट ऑफ व्यू ये जो रूल अपलीकेबल है ना ये वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरेटिक पार्टिकल आपका पार्टनरशिप डीड और इंपॉर्टेंस क्या है वो आपका इंपॉर्टेंट है थ्योरी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन ये जो है ना थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता हैं रूल्स ये वाला वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट आप पहले ही मान लो ठीक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो आपका चलिए स्टार्ट करते पहले समझते पार्टनरशिप डीड क्या होता है ठीक है यहाँ पे सिंस पार्टनरशिप डीड सॉरी सिंस पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट इट इज एसेंशियल दैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाई ऑल द पार्टनर्स ठीक है मतलब यहाँ पे देखेंगे एग्रीमेंट का ही उपज या एग्रीमेंट का ही आउटपुट आपका पार्टनरशिप रहता है ठीक है मतलब एग्रीमेंट होता है सभी का बीच में सहमति होता है तब एक पार्टनरशिप बनता है ठीक है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों के बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहे पार्टनर्स के बीच में ठीक है रूल्स और रेगुलेश्स रहे सम टर्म्स एंड कंडीशन में भी इधर ओरल और रिटर्न मतलब ये हो सकता है ओरल हो या रिटर्न भी हो सकता है ठीक है द लॉ डज नॉट मेक द कंपल्सरी टू हैव द रिटन ठीक है तो जो आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932 है ये कुछ ए, ये आपको मैंडेटरी नहीं करता है ठीक है ना ये मैंडेटरी नहीं करता है कि आपका रिटर्न ही होना चाहिए ठीक है लेकिन तब भी रिटर्न होने से फायदा है वही हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़ फ़ायदा है हाउ एवर हाउ एवर इन ऑर्डर टू अवॉयड द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट यूरिज साइंड एंड रजिस्टर्ड अंडर एक्ट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बताएं ठीक है अगर आपको किसी तरह का गरसामी या झगड़ा अगर उससे दूरी रखना है ठीक है मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए पार्टनर्स के बीच में झगड़ा ना हो जाए तो आपको सबसे अच्छा है कि रिटर्न आप रखें रिटर्न एग्रीमेंट रखें और उसको साइन भी करवाएं सभी पार्टनर के द्वारा और रजिस्टर्ड भी करवाएं पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन के तहत सच रिटर्न डॉक्यूमेंट विच कंटेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज़ कॉल्ड एज पार्टनरशिप डेट देखिए वो डॉक्यूमेंट जिसमें टर्म्स सभी का सहमति का जो टर्म्स रहते हैं कंडीशंस रहते हैं जिसमें सभी सपना सहमति दर्ज करते हैं साइन करके उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डीड ठीक है deed, ना समझ जाइए इसको आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहा भी जाता है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप ठीक है अब यहां पे देखेंगे द पार्टनरशिप डीड द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन द फॉलोइंग पॉइंट पार्टनरशिप डीड में, में देखिए क्या क्या होना चाहिए बता रहे हैं ठीक है देखिए पहला क्या चाहिए द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म ठीक है कंपनी का नाम और उसका एड्रेस नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स सभी पार्टनर्स का नाम और उसका एड्रेस द टाइप एंड द नेचर ऑफ़ द बिजनेस द फर्म प्रोसेस टू डू ठीक है किस टाइप का बिजनेस करने जा रहा है ठीक है ये भी बताना है ठीक है वो क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है या आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इंडस्ट्री है या आपका ट्रेडिंग यूनिट है जो भी है आपको बताना है प्राइमरी सेक्टर जो भी है सेकेंडरी टर्सरी आपको वहाँ आप बताना नेचर क्या चीज़ है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूट बाई ईच पार्टनर एंड वेदर द कैपिटल विल बी कैपिटल अकाउंट विल बी फिक्स ऑफ फ्लक्चुएटिंग कितना कैपिटल पैसे लगा रहे हैं पूंजी ये भी बताना है और कैपिटल अकाउंट बनता है जो कैपिटल अकाउंट बनता है ये फिक्स होगा या फ्लक्चुएटिंग होगा ये भी बताना पड़ेगा दो होता है फिक्स एक फिक्स कैपिटल एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जैसे मेंटेन करेंगे वो आगे हम लोग प्रैक्टिकल में पढ़ने वाले हैं लेकिन फिलहाल अभी नॉलेज के लिए आप समझिए तो ये भी आपको उसमें डीट में लिखा होना चाहिए ठीक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मान लीजिए पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो कितना मिलेगा ठीक है वेदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन कैपिटल इफ सो द रेट उसका रेट आपको बताना होगा पाँच परसेंट कि दस परसेंट जितना भी रेट है वहाँ पे आपको लिखना होगा ठीक है ड्रॉइंग कितना पार्टनर्स अगर मान लीजिए किसी को पैसा का जरूरत होगा तो क्या पार्टनर्स निकाल सकते हैं पैसा है? निकाल सकते हैं तो कितना निकाल सकते हैं कितना तक लिमिट है सब यूज यहाँ लिखना होगा देखिए यहाँ पे ड्राॅइंग हाउ मच अमाउंट द पार्टनर इज़ एंटेडेड टू विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज पर्सनल यूज करके कितना पैसा वो निकाल सकते हैं ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वेदर इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग इफ सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए कि प्र... पार्टनर्स uh, पैसे निकाले हैं ड्रॉइंग के नाम पे तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा क्या कंपनी उससे वसूलेगी इंटरेस्ट के नाम पे तो वसूली की तो कितना वसूली की ये भी आपको मेंशन करना होगा डीड में मेंशन रहना चाहिए पार्टनर्स के बीच में ठीक है प्रॉफिट सेंग रेशियो अगर मानिए फायदा हो तो किस रेशियो में पैसे बटेंगे तो रेशियो को डिफाइन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे सैलरी अगर काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगा तो कितना मिलेगा ये भी डिफाइन करना है गुडविल ठीक है तो गुडविल का वैल्यूशन देखिए तीन तरीका से होता है एवरेज मेथड सुपर में सुपर प्रॉफिट मेथड फिर आपका कैपिटलाइजेशन मेथड ठीक है एवरेज प्रॉफिट मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड किस मेथड के तहत गुडविल का वैल्यूशन किया जाएगा ठीक है कंपनी का गुडविल मतलब जो भी आपका उसका बहता नहीं होता है इंप्रूवमेंट है या जो भी है मार्केट में उसका रिपोटेशन है उसको अमाउंट में मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जाता है तो किस मेथड से मेजर किया जाएगा ये भी यहाँ पे मेंशन होना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म ठीक है क्या कंपनी अपना फाइनेंशियल अकाउंट जो हम लोग ट्रेडिंग पी एल बैलेंस शीट आप सीखे होंगे फिलवन्थ क्लास में जो आप सीखें तो वो आपका हाफ ईयरली मतलब छः महीने के बाद बनेगा कि साल भर के बाद बनेगा ठीक है ये सब आपका ठीक है फाइनेंशियल ईयर क्या रहेगा जनवरी से दिसंबर या आपका मार्च से अप्रैल फर्स्ट से लेकर नेक्स्ट ईयर ऑफ द मार्च थर्टी फर्स्ट ठीक है तो ये सब मैंशन होना चाहिए फिर आता है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द फर्म्स मेथड ऑफ यहाँ पे ट्वेल्थ नंबर देखेंगे ये गया हाँ मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द फर्म्स अकाउंट ठीक है कौन सा मेथड से यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाएंगे इन द कस्टडी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स ठीक है ये सब किस मेथड से किए जाएंगे ये सभी ऑडिटिंग ठीक है जांच किया जाएगा तो कैसे जांच किया जाएगा क्या ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा सी को अपॉइंट करना है ये भी डेट ऑफ कमेंसमेंट कब पार्टनरशिप स्टार्ट किए हैं ये डेट को भी कोई मैंशन करना है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कितना साल के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं ये भी मैंशन करना होगा और यहाँ पे क्या बोले द पीरियड फॉर विच द पार्टनरशिप हैज़ बीन एस्टेब्लिश एंड द मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनर अगर मान लीजिए कि पार्टनरशिप अगर खत्म हो करना है तो कैसे खत्म करेंगे ये भी आपको हाँ मैंशन करना होगा यूज़ ऑफ डिसीजन ऑफ़ गार्नर मुर्े देखिए गार्नर मुरे का एक इंसॉलवेंसी ऑफ़ पार्टनरशिप अगर पार्टनरशिप पूरा खत्म हो जाता है ठीक है फॉर्म बंद हो जाता है तो उस टाइम पैसा ठीक है मतलब कंपनी क्या कर अपने स्टेट्स और लाइब्रिलिटी को पे करके ये कंपनी बंद करती है तो क्या गार्नर मुर्रे का डिसीजनस अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा ये भी आपको मैंसन करो क्योंकि इंडियन अप्रोच है एक गार्नर मुर्रे है तो क्या कौन सा अप्रोच, अप्रोच अपनाएंगे ये भी मैं बैंक अकाउंट वेदर द अकाउंट इन द बैंक विल बी ओपन इन द फॉर्म्स नेम मतलब फॉर्म के नाम अकाउंट खोला जाएगा कि कोई पार्टनर के नाम पर खोला जाएगा और ठीक है कौन चेक पे साइन करेगा ये सब डिसीजन यहाँ पे आपको लेना होगा रिटर्न में रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है नया पार्टनर आता है तो कैसे आएगा क्या एक का सहमति से आएगा सभी का सहमति से आएगा वो भी मैंशन करना होगा रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटलिंग द अकाउंट ऑन द रिटायरमेंट ठीक है कौन सा रूल्स फॉलो किया जाएगा अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो द मैर इ विच द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर विल भी कैलकुलेटेड इन द मैनर इन विच इट विल पेड और उसको पैसा पे किया जाता है रिटायरमेंट या डेथ में ठीक है तो कैसे पे किया जाएगा वो भी आपको मैंशन करना होगा सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अगर झगड़ा हो गया तो किस तरह उसको निपटारा निप्ता, किया जाएगा यह भी मैंसन करना पड़ेगा क्या एरबिट यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट हटाने के लिए मिडिल मैन रखा जाता है तो मिडिल मैन रखेंगे कि नहीं रखेंगे आर्बिट्रेटर बोला जाता है तो रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा सब कुछ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ठीक है तो ये था आपका पार्टनरशिप डीड ठीक है तो पूरा ये पार्टनरशिप डीड हो गया ये पूरा पार्टनरशिप डीड हो गया क्या क्या उसमें सब सब हो गया इसमें अब इसमें देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंस क्या है पार्टनरशिप डीड का इम्पोर्टेंस क्या है यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी की रिटर्न होना चाहिए ठीक है लेकिन रिटर्न होगा तो फ़ायदा क्या है ये दिखेगा यहाँ पे देखिए दो द लॉ डज नॉट मेक इट मैंडेटरी और कंपलसरी फॉर एवरी फॉर्म टू हैव द पार्टनरशिप डीड इट इज डिज़ायरेबल टू हैव इट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजनस लेकिन देखिए यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं कि पार्टनरशिप डीड होना भी चाहिए ठीक है मौखिक तौर से भी बात करके सहमति से पार्टनर्स अपना स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन होने से क्या फ़ायदा देखिए झगड़ा तो पहले ये हटेगा यहाँ पे देखेंगे इट रेगुलेट्स द राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ इज पार्टनर्स सभी पार्टनर्स का जो जिम्मेदारियाँ हैं ड्यूटीज हैं जो उनका हक है और जो दायित्व है उस पर नियंत्रण रखने का काम करेगा पार्टनरशिप डीड इट हेल्प्स टू अवॉयड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्टनर्स बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ पार्टनरशिप हैव बिन लेड डाउन बिफोर हैंड इन डीड ठीक है तो मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन मैंशन होने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी और झगड़ा उगड़ा नहीं होगा ठीक है एनी डिस्प्यूट एम ऑफ द पार्टनर्स में भी सेटल ईजीली एज द पार्टनरशिप डीड मे बी रेडीली रिफर्ड ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे अगर किसी तरह का झगड़ा होता है तो के, कैसे उसको सॉल्व करना ये भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन रहता है तो किसी तरह का ये फर्दर डिसकनेक्टिविटी नहीं होगा कनेक्टिविटी चलता रहेगा लगातार निरंतर पार्टनरशिप शान से चलेगा अगर पार्टनरशिप डीड होगा तो ठीक है झगड़ा होने के बावजूद थोड़ा सा रुकाव आएगा थोड़ा सा दिक्कत आएंगे फिर से कंटिन्यूएशन हो जाएगा हैंस इट इज़ हैंस इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कोस्ट To have the written partnership deed duly signed by the partners and registered under the Act. Rules applicable in the absence of partnership deed. देखेंगे रूल्स अप्लीकेबल इन द ऑफ पार्टनरशिप डीड अगर मतलब लगेंगे यहाँ पे इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और वर्बल एग्रीमेंट ठीक है अगर मतलब मान लीजिए कि पार्टनरशिप डीड नहीं है और तो क्या बोलते हैं कि वर्बल एग्रीमेंट भी नहीं है मतलब वहां तो वो एक्चुअली मतलब बोल के भी वो लोग एक्चुअली डिसाइड नहीं किए हैं कुछ ठीक है तो नहीं अगर डिसाइड किए हैं वर्बल एग्रीमेंट उन लोगों के बीच में नहीं है ठीक है और रिटर्न डॉक्यूमेंट रिटर्न भी मे भी नहीं रखें ठीक है तो इफ़ पार्टनरशिप डेट इज़ साइलेंट ऑन सर्टन पॉइंट्स ठीक है मतलब पार्टनरशिप डेट में कुछ मैंशन नहीं है इस विषय में तब देखिए देखें पे पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन ठीक है इसका प्रोविजन इसका रूल्स अपलिकेबल हो जाता है उससे कंसर्न ठीक है तो पहला देखिए अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड में ये टर्म्स के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया गया कुछ ज़्यादा नहीं लिखा गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में तो क्या होता है अगर मान लीजिए प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो किस रेशियो में बटेगा ये नहीं बताया है? तो यहाँ पे क्या होगा सबके बीच में इक्वली बढ़ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी सेड इक्वली इर ऑफ इर ऑफ द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन पैसा कैसे लगाएं वो मायने नहीं रखता है लेकिन सबके बीच में पैसा बराबर बढ़ जाएगा फिर दूसरा आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है दूसरा आपका आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ठीक है अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेल बी अलाउड टू द पार्टनर इफ देर इज ए प्रोविज़न फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलाउड ओनली वेन देर इज़ ए प्रॉफिट ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं मिलेगा ठीक है लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो जो भी रेट है वो मिलेगा लेकिन यहाँ पे शर्त क्या बोला ओनली वन देर इज ए प्रॉफिट ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है इफ देर इज अ प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड इट विल बी अलाउड ओनली वैन देर इज ए प्रॉफिट मतलब अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहाँ पे मैंशन नहीं है तो नहीं मिलेगा अगर मैंशन है तो भी शर्त यह है कि प्रॉफिट होने के होने के होने पर ही मिलेगा फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज ऑन ड्राइंग अगर मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से नहीं चार्ज किया जाएगा सैलरी भी नहीं चार्ज होगा ठीक है नो पार्टनर्स इज एंटाइट टू गेट एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन द रनिंग द फर्म, ठीक है अगर मानी जिस सैलरी के बारे में मैंशन नहीं है तो उसको इस पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन द पार्ट ऑन ए पार्टनर्स लोन टू द फॉर्म एंड सच इंटरेस्ट सेल पेड इवन इफ देर इज अ लॉस टू द फॉर्म देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन देखिए अगर मेंशन नहीं है तो छः परसेंट कम से कम मिलने का रूल है पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू के तहत और अगर लॉस है तब भी पार्टनर्स को लोन जो दिया है फॉर्म को वो कंपनी को वापस करना पड़ेगा बहुत इंपॉर्टेंट है दिए वाला एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर्स कैन बी एडमिटेड टू द फॉर्म ठीक है बिना अनुमति का ठीक है कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता अगर मैंसन नहीं है तो अगर मैंसन है कि पार्टनर्स अगर नया एडमिट होगा तो कैसे करना है कैसे एडमिट होगा तो ठीक है नहीं मैंसन है तो पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू ये करता है कि बिना सभी का सहमति का कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सभी पार्टनर को समझ नहीं तो इजाजत है कि वो बिजनेस में हिस्सा ले सकता है ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फॉर्म एंड टेक ए कॉपी ऑफ द सेम ठीक है तो सभी पार्टनर को अधिकार है कि वो फॉर्म का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जाँच कर सकता है निरीक्षण कर सकता है और उसका एक कॉपी मांग भी सकता है इट्स शुड बी रिमंबर्ड दट पार्टनर मे चेंज एनी ऑफ द बो प्रोविजन्स बाई एनी ऑफ द प्रोविजन बाई कमिंग टू द कॉमन एग्रीमेंट ठीक है तो मतलब अगर चाहेंगे तो कोई भी नियम कानून को लो बदल सकते हैं सभी सहमत होकर के ठीक है मतलब फिर से फिर से सबको सब साइन करना होगा ठीक है तभी वी हैव कंप्लीटेड आप लिखेंगे एज अ टास्क ठीक है ना आप क्या करें रूल्स लिखेंगे ठीक है इम्पोर्टेंस भी आप लिखेंगे और ये भी आप पार्टनरशिप इसका एक्चुअली सिर्फ मीनिंग लिख लो ठीक है इसका कम से कम आप मीनिंग लिखिए ठीक है ना पार्टनरशिप डी का कम से कम मीनिंग लिखिए एक और हम कहेंगे इंपॉर्टेंस भी थोड़ा आप लिख लीजिए इसको भी थोड़ा लिख ही दो ठीक है ना और ये तो आप लिखना ही है ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये तो लिखना ही है ठीक है तो पार्टनरशिप डेट का मीनिंग आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंस आप लिख लीजिए और रूल्स अप्लीकेबल इन द एबसेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट ठीक है और इसको पढ़ेंगे दो बार तीन बार प्लीज़ आप देखिए वीडियो को और समझें किसी तरह का डाउट है प्लीज़ संपर्क करिए ठीक है और योर डाउट्स वो बी क्लियर सो थैंक यू स्टूडेंट्स